नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर अगर सक्सेस होना है तो आपको किन किन चीजों का नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हां, आज के इस टॉपिक के अंदर हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है एफिलिएट मार्केटिंग सक्सेस इक्वल्स टू डिजिटल मार्केटिंग नॉलेज। तो इसमें वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। मैं हूं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल वर्ल्ड बाय मंजीत सिंह। सो दोस्तों, अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है टैग गुरु मंजीत, आप वहां पे जाके जो है मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहां पर जो है आपको बहुत सारे डिजिटल टिप्स एंड ट्रिक्स जो है आने वाले समय में देखने को मिलते रहेंगे, जिनका इंप्लीमेंटेशन करके आप जो है खुद भी एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटिंग के अंदर करियर बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर सक्सेस होने के लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं। बेसिकली सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग। तो एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, तो यहां पे जो लोग समझते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है कि हमारे किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स वगैरह हैं तो उनके प्रोडक्ट को दूसरी जगह पे कहीं पे शेयर करके उनको प्रमोट करके जो है हम क्या कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। चाहे वो Amazon हो, Flipkart हो, टाटा क्लिक हो, पेटीएम हो, स्नैपडील हो, मंत्रा हो, बैंगुड हो, तो इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जिनके प्रोडक्ट्स को हम प्रमोट करते हैं और उनका कमीशन जो है जब उनकी सेल होती है उस पे जो कमीशन मिलता है वो हमारा जो है एज अ रेवेन्यू होता है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। लेकिन इन सब प्रोडक्ट को हम प्रमोट कैसे करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं फेसबुक का, ट्विटर का, लिंक्डइन का, या बहुत सारे और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, तो इस तरह के इन सभी प्लेटफॉर्म्स का हम इस्तेमाल करके जो है इनके प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। लेकिन जब हम इतनी चीज, इतना भी अगर आप लोग डिटेल में जानते हो और फिर आप स्टार्ट कर देते हो यही चीजें करना कि एफिलिएट वेबसाइट से कॉपी करा प्रोडक्ट को, लिया कौन से को प्रमोट करना है और फिर उठाकर जो है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए जो है हम अलग अलग तरीकों से उसको प्रमोट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हमें जो है यहाँ पे फेलवर क्यों मिलता है, क्योंकि हमें जो है वहां पे सक्सेस कैसे मिलेगी, मतलब जो हम टारगेट ऑडियंस क्या होना चाहिए, हमें किस तरह से जो है सोशल मीडिया के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहिए, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके जरिए जो है हम प्रमोट करते हैं, चाहे वो खुद की वेबसाइट हो। तो यहां पे जो है इन सब चीजों को सक्सेस होने के लिए हमें मालूम होना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज। अगर डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज हमारे पास है तो हमें ये सारी टेक्निक्स पता चल जाती हैं कि हमें जो है कोई भी चीज को अगर हम मार्केट के अंदर लेके जा रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, उसकी ब्रांड अवेयरनेस कर रहे हैं, या किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी सेल्स को जो है, किसी भी सर्विस को जो है हम प्रमोट कर रहे हैं, तो यहां पे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम जो है यहां पे हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब डिजिटल मार्केटिंग में आपको किस किस चीज का नॉलेज होना चाहिए अगर आप वाकई जो है एफिलिएट मार्केटिंग में अंदर सक्सेस होना चाहिए, तो यहां पे दोस्तों आपको SEO का नॉलेज होना चाहिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग का नॉलेज होना चाहिए, ऑन पेज SEO क्या होता है उसका मालूम होना चाहिए, ऑफ पेज SEO क्या होता है उसका मालूम होना चाहिए, बैकलिंक्स क्या होते हैं वो मालूम होना चाहिए, डोमेन अथॉरिटी कैसे इंक्रीज करते हैं वो मालूम होना चाहिए, पेज अथॉरिटी कैसे इंक्रीज करते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए, वेब डेवलपमेंट अगर वेबसाइट कर रहे हो अपनी खुद की बना के अगर प्रोडक्ट को पोस्ट कर रहे हो तो वहां पे प्रोडक्ट पोस्टिंग का तरीका आपका क्या होना चाहिए, मतलब वेबसाइट जो है उसके लिए आपको क्या टेक्निक्स होनी चाहिए, वेब डेवलपमेंट की क्या टेक्निक्स होनी चाहिए वो सारी चीजें आपको मालूम होना चाहिए, कंटेंट जो है आप जिस तरह से पोस्ट कर रहे हो वो कंटेंट जो है कहीं पर किसी दूसरी वेबसाइट के साथ में क्लैश तो नहीं हो रहा है, यूनिक है कि नहीं है, तो बहुत सारी चीजें जो है इसके अंदर हमें कवर करनी पड़ती हैं, चाहे वो हमारी एनालिसिस करना हो, मॉनिटरिंग करना हो, ट्रैकिंग करना हो, ऑप्टिमाइजेशन करना हो, तो बहुत सारे तरीकों का जो है हमें नॉलेज होनी चाहिए तभी जाकर जो है हम एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर सक्सेस पा सकते हैं। तो यहां पे दोस्तों मैं देखा है कि बहुत सारे लोग एफिलिएट मार्केटिंग के लिए स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन फाइनली क्योंकि उनके पास डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज नहीं है तो वो वहां पे क्या होते हैं, फेल होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी 10 नवंबर से जो है हमारा डिजिटल मार्केटिंग का मास्टरी कोर्स जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि एक पेड कोर्स है। तो अगर आप ये पूरा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मास्टरी कोर्स करना चाहते हैं
तो यहां पे आप एक महीने का कर सकते हैं, आप दो महीने वाला भी कर सकते हैं, आप तीन महीने वाला भी कर सकते हैं, या फिर आप पांच महीने वाला भी कर सकते हैं। तो इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और इन सभी कोर्स को करने के बाद अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप खुद का भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी जो है प्लेसमेंट करें, जॉब प्लेसमेंट करें, तो डेफिनेटली वो ऑप्शन भी 100% अवेलेबल है। लेकिन उसके लिए जो है आपके पास एक डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए आपको कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको बेसिक इंग्लिश के बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि यहां पे जितना भी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर काम करा जाता है वो इंग्लिश कंटेंट के ऊपर मैक्सिमम किया जाता है। तो यहां पे जो है आपको इंग्लिश समझ में आनी चाहिए, इंग्लिश किस तरह से लिखी जाती है वो आपको पता होना चाहिए, इंग्लिश के अंदर ग्रामर वगैरह जो है थोड़ी बहुत ही आपको नॉलेज है तब भी चल जाएगा। बेसिकली बाकी सारी चीजों के लिए टूल्स अवेलेबल हैं जहां पे आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो हैं वो सारी रेक्टिफाई करी जा सकती हैं। इसके बाद आपको बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट होना चाहिए और बेसिक नॉलेज ऑफ वेबसाइट्स की, कि वेबसाइट क्या होती है, किस तरह से काम करती है, इनका थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। और इसके बाद जो है अगर आप ये सारी चीजें हैं आपके पास तो आप ये हमारा कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है यहाँ पे दिया गया है और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी अवेलेबल है, तो वहां पे जाके जो है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपकी जो भी फीस होगी, आप अगर उसको एक बार में नहीं पे कर सकते तो आप उसको इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो। और आगे मैं बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का जो स्कोप है वो दिन ब दिन आगे बढ़ते ही जा रहा है और ये आगे आने वाले समय में बढ़ने ही वाला है, क्योंकि आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट भी जो है हर चीज के ऊपर डिजिटल 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 करती चली जा रही है। वो इसलिए क्योंकि डिजिटल ट्रेंड जो है वो आने वाला है, अभी इंडिया के अंदर डिजिटल आया नहीं है, अभी आने वाला है। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज या खुद की जॉब अपॉर्चुनिटीज, सेल्फ इंडिपेंडेंसी या फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी अवेलेबल है। तो आज ही जो है जल्दी से एनरोल कर लें, मेरे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करें और आप एनरोल कर लें। और जो है 10 तारीख को लास्ट डेट है जिसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और 11 तारीख से हमारी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये सारी लाइव क्लास रहने वाली हैं और लाइव क्लास के अंदर जो है जितनी भी क्लासेस होंगी उनकी सेम टाइम पे HD क्वालिटी के अंदर रिकॉर्डिंग भी होगी और नेक्स्ट डे जो है आपके पास वो रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी, ताकि जो है अगर आप कहीं पे कुछ मिस कर गए हो लाइव क्लास के दौरान तो आप उसको रिपीट कर सकते हो। सो दोस्तों आई एम श्योर जो है आपको ये पूरा वीडियो जो है अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। सो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।